Hi guys, welcome or welcome back to my channel Glamour with Neha. I hope you all are doing great. I'm also good. So I'm back with the Meesho haul. This is also a Meesho festive haul. और last time भी मैंने आपको बहुत अच्छा collection दिखाया था और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है. तो इस बार भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ Meesho का festive haul. As always मैंने Meesho से कई सारे products order किए थे video के लिए, but दो तीन कुर्ता sets cancel हो गए. So आज है मेरे पास limited कुर्ता sets. तीन कुर्ता सेट्स है आज मेरे पास और एक मैं आपको स्लिंग बैग दिखाऊंगी. पार्टी वेयर स्लिंग बैग है, बहुत प्यारा है. और एक इयर रिंग्स का कॉम्बो दिखाऊंगी. सो ये है हमारा आज का हॉल. सो विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी इस हॉल का सबसे सस्ता कुर्ता सेट और बहुत सुंदर कुर्ता सेट है. ये पीच और नो इट्स अ बेबी पिंक, ब्राइट बेबी पिंक और पीच का कुछ तो मिक्स कलर है, बट बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है. सबसे पहले मैं इसका आपको कुर्ता दिखा देती हूँ कैसा है. तो ये है गाइज इसका कुर्ता. सो इसके कुर्ते का जो नेक है उसमें जो एम्ब्रॉयडरी ये जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लगा के वर्क किया है फेक मिरर्स का, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है. ये नेक को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल वर्क है ये. और पूरे ही कुर्ता सेट में आपको इस तरह से एम्ब्रॉयडरी सॉरी इस तरह से पूरे ही कुर्ता सेट में आपको ये प्रिंट मिलेगा. बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रिंट है. फैब्रिक बहुत अच्छा है इस कुर्ता सेट का, बिल्कुल भी चीप कुर्ता सेट नहीं लगता है ये. और इसके जो स्लीव्स है इसमें भी सेम नेक जैसी डिजाइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिजाइन लगती है ये. और ये वाला वर्क आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ये ऑर्गेन्जा टाइप का जो वर्क रहता है कुर्ता सेट्स में. और नीचे आपको ये कुर्ते में नीचे भी आपको इस तरह से वर्क मिल जाएगा. कुर्ता सेट का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्रिटी है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है ये कुर्ता. एक्चुअली वियर करने के बाद भी बहुत सुंदर लगता है और ऐसे तो देखने में लग ही रहा है सुंदर. इसका बॉटम में कुछ यूनिक सा बॉटम है इसका और ये सलवार पैटर्न का बॉटम है. आज तक मैंने सलवार पैटर्न ट्राई नहीं किया है रेडीमेड सलवार, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करते देखते हैं कैसा आता है. सो ये बहुत ज्यादा अच्छा लुक दे रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा आया है ये. और इसके सलवार का कुर्ता तो और ही सॉरी इसके सलवार का फैब्रिक तो और ही ज्यादा अच्छा है. बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है और शायद कलर में थोड़ा डिफरेंस है, ये थोड़ा डार्क कलर है इसके बॉटम का. और नीचे आपको सलवार में इस तरह से ये पैटर्न मिलेगा जैसे आपको स्लीव्स और नेक में मिला था. सो ये इस टाइप का पैटर्न आपको मिल जाएगा. साइड में आपको ट्राई ऑन दिखेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है. और इसका कुर्ता सेट का इलास्टिक एक्चुअली मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. अदरवाइज कुछ कुछ कुर्ता सेट्स की जो बॉटम की इलास्टिक होती है वो उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है, बट इसके जो बॉटम की इलास्टिक है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. बहुत ही सूदिंग सा फैब्रिक है बॉटम का. तो ये है इसका शिफॉन फैब्रिक का दुपट्टा, बहुत ही लाइट वेट दुपट्टा है, बिल्कुल आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो. लेंथ दुपट्टे की प्रॉपर है, एकदम बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, एकदम प्रॉपर लेंथ है इस दुपट्टे की. और सेम पीच कलर में दुपट्टा है और इस तरह से बॉर्डर दे रखा है कपड़े का. सिंपल सा दुपट्टा है क्योंकि ये सस्ता कुर्ता सेट है, आई थिंक 600 के अराउंड का ये कुर्ता सेट है. आपको क्या ही चाहिए इतने कम पैसों में. इसका साइज मैंने ना एल ऑर्डर किया है, तो आप भी अपना एक साइज अप ऑर्डर करना क्योंकि मुझे लग रहा है ये अकॉर्डिंग टू एल इसका साइज छोटा है. तो आप भी जो भी आप साइज रेगुलरली वियर करते हो, अगर एस वियर करते हो तो एम ऑर्डर करना, एम वियर करते हो तो एल ऑर्डर करना, क्योंकि ये ना थोड़ा सा छोटा कुर्ता सेट लग रहा है एज पर साइज एल. सो आप अपना एक साइज आप ऑर्डर कर लेना. और रही बात प्राइस की, तो प्राइस इसका अराउंड मैंने 600 के अराउंड आई थिंक मैंने इसका पे किया. जो भी इसका एग्जैक्ट प्राइस होगा मुझे याद नहीं है, वो मैं मेंशन कर दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा. बट वैसे ये कुर्ता सेट ना बहुत ज्यादा अच्छा है, पहनने बिना एकदम प्रिटी सा लुक देता है क्योंकि ये सलवार पैटर्न है, तो थोड़ा सा ना अलग सा लुक देता है, बहुत ही प्रिटी लुक देता है, अच्छा लग रहा है ये कुर्ता सेट. ये है गाइस हमारा सेकंड कुर्ता सेट. ये बहुत ही डार्क कलर का कुर्ता सेट है, इस फेस्टिव सीजन के लिए बहुत बिल्कुल एप्रोप्रिएट रहेगा. बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट है और बहुत ही बजट फ्रेंडली कुर्ता सेट है. सो अगर आप कोई बजट फ्रेंडली और ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट देख रहे हो थोड़ा डार्क कलर में, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो. वैसे इसमें कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, तो इसमें सारे ही डार्क कलर है. बट मैंने ये वाला वाइन टाइप का, ये जामुनी टाइप का कलर है, तो मैंने इसको चूज किया है. और ये है गाइज इसका कुर्ता, सिंपल कुर्ता है, बस नेक में आपको वर्क मिलेगा. कुर्ते का फैब्रिक बहुत अच्छा है और ये नेक में आपको इसके पूरे कुर्ता सेट का लुक नेक से ही आता है. सो इसमें केवल आपको इस तरह से नेक पे वर्क मिलेगा, जो ब्रॉयडरी गोटा पट्टी तीनों का ही वर्क दे रखा है मिक्स करके. बहुत ही ब्यूटीफुल सा नीट एंड क्लीन वर्क है, बहुत प्यारा लगता है ये वर्क. और पहनने पे तो ये कुर्ता सेट बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था.
और जैसे कि मैंने बताया है, पूरा कुर्ता ये सिंपल है, इसके स्लीव्स में भी इनफैक्ट कोई वर्क नहीं दे रखा, बट कुर्ता सेट का लुक बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये है गाइस इसका बॉटम, सेमी इलास्टिकेटेड इसका बॉटम है, इस तरह से जैसे कुर्ते का फैब्रिक है वैसे ही बॉटम का फैब्रिक है। आई एम नॉट श्योर ये कौन सा फैब्रिक है, बट इस वाले सीजन के लिए जो नवरात्रे आ रही हैं और दिवाली आ रही है तो उस सीजन के लिए फैब्रिक सही रहेगा, आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगा, इरिटेट नहीं करेगा, बट सही फैब्रिक है क्योंकि स्मूथ सा ही फैब्रिक है और सिंपल ही आपको बॉटम दे रखा है, एकदम सिंपल है, कोई इसमें वर्क वगैरह नहीं है, तो कंफर्टेबल है ये भी पहनने में बहुत ज्यादा, बॉटम और कुर्ता दोनों ही बहुत कंफर्टेबल है और कलर इसका एक्चुअली बहुत ज्यादा प्यारा है, तो ये पहनने पे बहुत सुंदर लगता है, सारे कॉम्प्लेक्शन पे ये कुर्ता सेट बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये है गाइस इसका ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा दुपट्टा, एक्चुअली इसका दुपट्टा और नेक का वर्क बहुत ज्यादा सुंदर है, ये है इसका दुपट्टा, एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सुंदर दुपट्टा आएगा। सो दुपट्टे में आप देख लो इस तरह से पूरे में ये एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, गोल्डन कलर से थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी दे रखी है और प्रिंटेड दुपट्टा है, लहरिया पैटर्न भी है और बीच में ये ऐसे वर्क दे रखा है सीक्वेंस का। सो ये फुल दुपट्टे का लुक कुछ ऐसा है, सारे से गोटा पट्टी का वर्क भी है, बहुत ही सुंदर दुपट्टा, बहुत प्यारा दुपट्टा, मैंने इतना सुंदर दुपट्टा एक्सपेक्ट नहीं किया था, पूरे कुर्ता सेट का लुक एनहेंस कर देता है, इनफैक्ट कुर्ता सेट है ही बहुत ज्यादा प्यारा, उसका गले का वर्क भी बहुत सुंदर है। सो ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टे का फैब्रिक बहुत ज्यादा औसम है, बहुत ज्यादा अच्छा फैब्रिक है, दुपट्टे का ऑर्गेन्जा फैब्रिक है बट अच्छा वाला ऑर्गेन्जा है, मतलब वैसा ऑर्गेन्जा नहीं है जैसे कड़क कड़क टाइप का ऑर्गेन्जा होता है ना, वैसा ऑर्गेन्जा बिल्कुल भी नहीं है, सॉफ्ट सा ऑर्गेन्जा, आप आराम से इसको कैरी कर सकते हो और ये भी बहुत ही बजट फ्रेंडली कुर्ता सेट है। और इसके साइज की मैं बात करूँ तो इसका साइज भी मैंने एल लिया, मैं बेली फेट की, मैं अपने टमी की वजह से एक साइज बड़ा ले रही हूँ आजकल, तो इसका भी साइज मैंने एल लिया और ये मुझे एकदम परफेक्ट आया है साइज, आप अपना ही साइज ऑर्डर करना। और बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस मैंने पे किया है आई थिंक 700 के अराउंड, 750 रुपए के अराउंड इसका प्राइस पे किया है मैंने, और ये एकदम वर्थ है 750 रुपए के लिए, आप आराम से इसको कंसीडर कर सकते हो, दिवाली के लिए नौ दुर्गे आ रहे हैं उसके लिए कंसीडर कर सकते हो, कोई भी फेस्टिवल के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हो, छोटे मोटे शादी के फंक्शन में भी पहन सकते हो, तुमने कहा है उतना पूरा वर्थ है ये। और थर्ड कुर्ता सेट दिखाने से पहले ना मैं आपको दिखाती हूँ हैंडबैग इयररिंग्स दिखाती हूँ, उसके बाद मैं सबसे लास्ट में आपको दिखाऊंगी अपना लास्ट कुर्ता सेट, और वो भी बहुत ज्यादा प्रिटी सा ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट है, तो मिस मत करना एंड तक मेरा वीडियो देखना। गाइस हमारा स्लिंग बैग, पार्टी वियर स्लिंग बैग, और इसको मैं इंस्टा पे यूट्यूब शॉर्ट्स पे दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, रील में और शॉर्ट्स में दिखा चुकी हूँ, अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाके मुझे फॉलो कर लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगी, नेहा अंडरस्कोर ग्लैमअप है, तो मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं डेली रील्स अपलोड करती हूँ फैशन रिलेटेड। सो ये है गाइज हमारा हैंडबैग, बहुत ही सुंदर इसकी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत सुंदर ये पर्स है, इनफैक्ट आपको आगे ही नहीं इन लोगों ने पीछे भी दे रखा है वर्क, इस तरह से वर्क दे रखा है, इसमें भी आपको दो कलर और मिल जाएंगे, मैंने ब्लैक कलर चूज किया, आई थिंक दो या एक कलर और है, तो आप देख लेना, लिंक दूंगी तो आप देख लेना, और अंदर स्पेस भी अच्छा खासा है, ये आप साड़ी में और पार्टी वेयर सूट्स में इसको कैरी कर सकते हो, तो इसमें आराम से आपका फोन आ जाएगा, आपका पतला सा वॉलेट है वो भी आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, मेकअप लिपस्टिक वगैरह कॉम्पैक्ट पाउडर सब आ जाएगा इसमें। इसका जो गोल्डन का जो मोती का वर्क है वो बहुत ज्यादा ब्लिंगी टाइप का गोल्डन नहीं है, मतलब ये जो वर्क है ना एकदम प्रॉपर गोल्डन कलर का वर्क है, जिससे ना लुक ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है स्लिंग बैक का, और ऊपर से आपको ये भी दे रखी है, ये स्लिंग दे रखी है, मैं तो ऐसे ही कैरी करना प्रिफर करती हूँ, बट अगर आप स्लिंग डालना प्रिफर करते हो तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये, देख लो आप। सो इस हैवी जो पार्टी वियर जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर ये बहुत अच्छे से जाएगा, इनफैक्ट लहंगा के ऊपर भी आप इसको कैरी कर सकते हो, तो मैं जैसे कैमरा में दिख रहा है इसके वर्क की क्वालिटी सेम ऐसा आपको रियल में भी दिखेगा, इसके वर्क की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसका प्राइस मैंने आई थिंक पे किया 200-300 रुपए के अराउंड, बहुत ही सस्ता ये हैंडबैग है, आई थिंक 200-250 रुपए जो भी होगा मेंशन कर दूंगी। मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये इयररिंग्स का कॉम्बो, ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स है, ये कॉम्बो मिल रहा था तो मैंने सोचा मंगा के देखते हैं कैसा आता है, बट टू माई सरप्राइज ये बहुत अच्छा आया है, और इसमें चार कलर के इयररिंग्स का कॉम्बो, सेम इयररिंग्स हैं, ये इस टाइप के इयररिंग्स है, खोल के दिखा देती हूँ,
साइज इसका सही है, ज्यादा ना बड़ा है ना छोटा है, मीडियम साइज है इसका, तो आप आराम से इसको वियर कर सकते हो किसी भी अकेजन में जिसमें ऑक्सीडाइज इयररिंग्स चले। और मैं इसके आपको कलर्स दिखा देती हूँ कि एक ग्रीन रिसीव हुआ है, एक ये ब्लू है, लाइट ब्लू टाइप का कलर है, और आजकल लेवेंडर कलर बहुत ज्यादा ट्रेंड में, साड़ीज में सूट्स में लेवेंडर कलर बहुत ज्यादा ट्रेंड में, तो उन्होंने लेवेंडर कलर भी दिया है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, चार कलर आपको मिल जाएंगे और ये बहुत ही सस्ते इयररिंग्स हैं। ये आई थिंक 160 या 170 में आई थिंक मेरे को ये चार इयररिंग्स मिले हैं, मतलब कॉम्बो मिला है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना इस हॉल का सबसे लास्ट पीस, लास्ट ये कुर्ता। हमारा लास्ट कुर्ता सेट इस हॉल का, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट है ये, एंड डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ये है गाइस इसका कुर्ता, बहुत ही प्रिटी सा कुर्ता सेट है, और ये ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, बट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी आपको इचिंग की या मतलब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत कंफर्टेबल इसका फैब्रिक है। और ये है इसका गाइस नेक, ये थोड़ा स्टैंड कॉलर टाइप का इसका नेक है, बट अच्छा लगता है, छोटा सा नेक है, बट इसका वर्क आप देख लो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल सा वर्क दे रखा है इसमें, पिंक और गोल्डन का वर्क दे रखा है। एक्चुअली यहाँ पे धूप आ रही है जा रही, तो धूप छाँव आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, कभी लाइट डिम हो जा रही है, कभी लाइट ज्यादा हो जा रही है। ब्यूटीफुल सा इसका नेक का पैटर्न है, और पूरे ही कुर्ता सेट में आपको इस तरह से फ्लावर का प्रिंट मिल जाएगा। ये क्रीम कलर का कुर्ता सेट है, इट्स नॉट प्रॉपर व्हाइट, इट्स क्रीम कलर, ब्यूटीफुल से फ्लावर का आपको प्रिंट मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रिंट है इस कुर्ता सेट का। और अंदर में आपको इनर भी मिल जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है इसके कि आपको इनर भी दे रखे, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो ऑब्वियसली उनको इनर तो देना ही था, तो अंदर इनर भी आपको पूरी मिल जाएगी फुल, और स्लीव्स में नहीं दे रखी, बट फैब्रिक इतना सॉफ्ट है कि आपको बिल्कुल भी चुभेगा नहीं। सो स्लीव्स में भी ये ऐसे इस टाइप का पैटर्न है, और ये है स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी। सेमी इलास्टिकेटेड इसका बॉटम है, और बॉटम का कलर कुर्ता के कलर से थोड़ा सा ब्राइट है, कुर्ता का कलर क्रीम कलर है, बॉटम का कलर हल्का सा व्हाइट टाइप ज्यादा लग रहा है। मतलब इसमें नीचे आपको इस तरह से एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, जैसे कि आपको गले में और स्लीव्स में एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, उसी तरह से आपको बॉटम में भी एम्ब्रॉयडरी दे रखी है। एम्ब्रॉयडरी की वजह से पूरा कुर्ता सेट का लुक बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट प्रिंट भी कलर भी सब कुछ अच्छा है इस कुर्ता सेट का, और फैब्रिक भी अच्छा है, मतलब एज पर द प्राइस इसका फैब्रिक भी अच्छा है। ये है गाइस इसका दुपट्टा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है, आप देख लो कितना सुंदर दुपट्टा, और इसका इसमें भी सेम आपको ये एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क दे रखा है, जैसे कि कुर्ते में दे रखा है और नीचे बॉटम में भी दे रखा है, और प्रिंट इसका एकदम अलग है, कुर्ते से एकदम अलग प्रिंट है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब कंट्रास्ट में प्रिंट मान लो, और जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, मतलब पूरा कैरी करने पे कुर्ता सेट बहुत ज्यादा प्रिटी ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है। आप साइड को ट्राई ऑन तो मैं दिखाई दूंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कैसा लग रहा है कुर्ता सेट, बट आप देख लो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल ये दुपट्टा है, और सेम इसका भी ऑर्गेन्जा का जो फैब्रिक है इस दुपट्टे का वो अच्छा फैब्रिक है, बिल्कुल भी ऐसे बहुत ही ज्यादा कड़क वाला नहीं है, अच्छा फैब्रिक है इसका भी। देखो मैंने सेफ्टी पिन नहीं लगा रखा, फिर भी मैं इसको आराम से कैरी करी हूँ, तो इसको भी आप आराम से कैरी कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छा फेस्टिव वियर। अगर आप कोई लाइट कलर में कोई फेस्टिव वियर देख रहे हो बहुत ही प्रिटी सा, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, बहुत सुंदर कुर्ता सेट है ये। इसका भी साइज मैंने एल बाय किया है, और प्राइस इसका मैं बताऊँ तो 1000 के अराउंड है, मतलब 970-980 रुपीज आई थिंक है इसका प्राइस, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, बट है कुर्ता सेट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। अगर आपको कोई कुर्ता सेट लेना है फेस्टिव वियर के लिए, 1000 आपका बजट है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट है, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हो सके तो आई थिंक आप साइज आपको देख के पता लग रहा होगा, बट हो सके तो आई थिंक इसमें भी एक साइज आप अपना अप मंगा लेना, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग अपना साइज। सो गाइज ये था हमारा आज का मीशो फेस्टिव वियर हॉल, एंड आई होप आपको ये मेरा हॉल आज का अच्छा लगा होगा, मुझे तो आज के जितना भी मैंने आपको पीसेस दिखाए हैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगे, पर्सनली सारे ही मुझे अच्छे लगे हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा इन तीनों में से आपको मैं कौन सा हाईली रिकमेंड करूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाई कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल से कुर्ता सेट है, इनफैक्ट जो मैंने हैंडबैग और इयररिंग्स दिखाए वो भी बहुत अच्छे हैं, आपको भी आई थिंक अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर देना। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।